फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने मैकोएसएक्स के पैकेज से मैकोएसएक्स की बूटेबल यूएसबी क्रिएट की एंड बाय द वे डोंट वरी अबाउट दिस एरर एम जेड लर्निंग टेक केयर ऑफ डैट तो फ्रेंड्स हुआ कुछ यूँ कि मेरे ओल्ड मैकमिनी दो 2011 का ऑपरेटिंग सिस्टम अचानक से ख़राब हो गया इस मिनी में मैकोएसएक्स लॉइन प्री इंस्टॉल आया था और ये मैकुस हाई सी तक अपग्रेड किया जा सकता था सो मैंने डिसाइड किया कि इसको फैक्ट्री सेटिंग पे लाकर सेल आउट कर दूँ उसके लिए मैंने फटाफट एप्पल की वेबसाइट पे जाकर मैकुस लाइन को डाउनलोड कर लिया लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी और वो ये कि एप्पल की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एक पैकेज फॉर्मेट में होता है और जैसे ही आप इस पैकेज को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं मैकोस का इंस्टॉलर इस पैकेज से एक्सट्रैक्ट होकर आपके एप्लीकेशन फोल्डर में आ जाता है अब अगर आप एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो ये पैकेज आपके मैक पे इंस्टॉल नहीं होगा और आपको कुछ इस किस्म का एरर दिखाई देगा और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इस एरर के सलूशन के बारे में इंटरनेट पे कोई भी मुफीद मालूम मैसर नहीं सो so, बहुत से लोग यहीं पे स्टक होके रह जाते हैं लेकिन डोंट वरी मैंने इस एरर का एक आसान हल डिस्कवर कर लिया है जिसे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप अपने मैको एक्स लाइन के पैकेज पे राइट क्लिक करें इसके बाद इसको किसी अच्छे अनजिप प्रोग्राम से अपनी मनपसंद लोकेशन पे अनजिप कर लें इसके बाद आपने अपने अंजिप किए हुए फोल्डर में जाना है यहां पे आपको एक दफा फिर से एक पैकेज नजर आएगा लेकिन इस दफा जब आप इस पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको शो पैकेज कंटेंट्स नजर आएगा आपने इस पर क्लिक कर देना है लीजिए फ्रेंड्स हम मेकोस लाइन की इंस्टॉल ई फाइल तक पहुंच चुके हैं जो कि मेकोस लाइन का मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आप अपने कीबोर्ड की कमांड शिफ्ट और पीरियड की को एक साथ प्रेस करके अपने कंप्यूटर की हाइड फाइल्स को अनहाइड करेंगे तो आपको इस इंस्टॉलर की बूट फाइल्स भी नज़र आ जाएंगी तो चलिए फटाफट अब इस इंस्टॉलर से बूटेबल यू क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें एक आठ जी बी की एम टी यू ड्राइव की ज़रूरत है अपनी यू ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाने के बाद आप डिश्यूटिलिटी की ऐप को ओपन करें अब सबसे पहले तो आपने अपनी यू को मैकोस एक्सटेंडेड जर्नल में फॉर्मेट कर लेना है जब आपकी यू एस बी मैकोएस में फॉर्मेट हो जाए तो आपने अपनी यू एस बी पे व्हाइट क्लिक करके री स्टोर पर क्लिक कर देना है रीस्टोर फ्रॉम के ड्रॉपडाउन मेन्यू से आपने मैकोएस एक्स इंस्टॉल ई एस डी को सिलेक्ट कर लेना है नाउ हिट द री स्टोर बटन एंड यू आर डाउन कुछ ही देर में डिपेंड ऑन योर हार्डवेयर स्पीड आपके मैकोएस लाइन की बूटेबल यू एस बी क्रिएट हो जाएगी और अब आप इसको यूज़ कर सकेंगे तो चलिए इस यू को चेक करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरी ये यू परफेक्ट काम कर रही है और अब इसके ज़रिए मैं मैकोस लाइन को अपने मैक में इंस्टॉल कर सकता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि ये मेथड सिर्फ उन्हीं इंस्टॉलर पे काम करेगा जिनके इंस्टॉल यू में उनका मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जस्ट लाइक मैकोस टाइगर लाइन माउंटन लाइन वगैरह वगैरह ऐसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके इंस्टॉल ई में उनका मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं होता उस पर यह मेथड काम नहीं करेगा और उसके लिए हमें एक दूसरा वे अपनाना पड़ेगा जिसका तफसीली जिक्र मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा तो फ्रेंड्स अगर आप उस नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो कम से कम इस वीडियो को एक माह के अंदर एक हज़ार लाइक जरूर दीजिएगा मैं समझ जाऊँगा कि मुझे उस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और MZ लर्निंग के साथ जुड़े रहिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग है नाइस डे